ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल और जोधा, दोनों के ख्यालात अलग, सीमाएं अलग, परिवेश परवरिश सब अलग, लेकिन रास्ते उनके रास्ते अब आपस में टकराने लगे थे। एक बार फिर दोनों का सामना होने को था, और वो दोनों इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि दूर होकर भी वो एक दूसरे के कितने करीब आ चुके हैं। अकबर और रुकैया मथुरा शिकार के लिए जा रहे थे, और जोधा अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना के साथ यमदूत का त्योहार मनाने मथुरा पहुंचने वाली थी। पालकी रोकिए। ये पालकी क्यों रोक दी? कुंवरी सा का हुकुम है कुंवर। क्या हुआ जोधा? भाई साहब, हमें खरीदारी करनी है। लड़कियां बाजार से खाली हाथ निकले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता ना। वैसे मानना ही पड़ेगा जोधा को, इतनी खरीदारी करती है फिर भी थकती ही नहीं। भाई साहब जाने दीजिए ना, हम बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। ठीक है, हम यही आगे खेमे लगाते हैं, लेकिन जल्दी आना। जी भाई साहब। कुसैने को दासियां तुम्हारे साथ जाएंगे जोधा। जी। चुनरी का 75 मोहरे। 75? हीरे जवरा से जड़ी है क्या? ये तो लूट है। 20 मोहर से ज्यादा की नहीं है चुनरी। छोड़ो, हम कहीं और से ओढ़नी ले लेंगे। चलिए जोधा। अरे जब खरीदने की हैसियत ही नहीं है तो आते क्यों हो? तुम लोगों की जगह अगर मुगल शहजादियां होती तो बिना दाम पूछे ले जाती। क्या कहा तुमने? सुनाई नहीं दिया? ये कारीगरी की कीमत है ना, सिर्फ मुगल ही जानते हैं, और ये चुनरी मुगल बादशाह की बेगम पर ही जचेगी। क्या दाम बताया था तुमने इसका? 75 मोहरे, अब 150। अरे ये तो लूट है। मोती ये लो, 150 मोहरे। अरे वाह, ये हुई ना शहजादियों वाली बात। ये ओढ़नी किसी मुगल बादशाह की बेगम से ज्यादा हमारी मोती पर खिलेगी। राजपुतानियां मुगल सल्तनत की शहजादियों से कम नहीं होती, इस बात को आप याद रखिएगा।
कौन थी ये गुस्ताख लड़की जो मुगलों का मजाक बनाकर चली गई? जी कोई राजपूत आनी थी। शहंशाह शिकार के लिए तैयार है। जल्दी जल्दी चलिए जोधा, कुंवर सब बहुत नाराज हो रहे होंगे। एक ओढ़नी लेने में हमने कितना समय लगा दिया। अरे मोती, उठो उठो मोती उठो। हमारा चेहरा देखकर हंसी आ रही है ना आपको? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा चेहरा देखकर हंसी नहीं आ रही है, ये 150 मोहरे की ओढ़नी देखकर हंसी आ रही है। देखो कैसी मैली हो गई। ओढ़नी की फिक्र है, हमारी नहीं। अच्छा अच्छा, रोने मत लग जाना। अरे देखो वहाँ पर तालाब है, एक काम करो वहाँ जाकर अपना मुंह और ये ओढ़नी धोवाओ। जाओ जल्दी करो। कितना सुंदर खरगोश है। आप लोग यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। मगर हुकुमसा, कुवरसा ने कहा है कि अभी कुवरसा नहीं है ना, इसलिए हमारा हुकुम चलेगा। आप यहीं रुकिए। की रफ्तार देख रही, लगता है मौसम बदलने वाला है। पर आज इस हिरन की किस्मत नहीं बदल सकती, आज इसकी किस्मत में हमारे हाथों मरना लिखा है। नजर निशाने पर रुकिए, क्योंकि अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो यह हिरन तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। दूसरा मौका तो हम इसे नहीं देंगे। ये इतना आसान नहीं होगा। पर कुछ तो है रुकैया, महसूस करो उसे। ऐसा लगता है कि हवा में कुछ घुल सा गया है। हमें भटकाइए मत शहंशाह, हमारा निशाना चूकना नहीं चाहिए। हे कृष्णा, ये तो उसे मारी डालेगी, हमारी मदद करिए। इसके पहले जब निशाना लगा रहे थे तो हम डर गए थे, क्योंकि आप एक पल के लिए हिचकिचा गए थे। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा कि आपके सीने में दिल है। फिर से वही बात, हमने जंग में कितने ही सैनिकों को मारा है, तो फिर ये हिरन क्या चीज है?
चूक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने दौड़ते हुए हिरण को मार गिराया है, तो आज ये चूक कैसे हो गई? हमने कहा था ना कि हवा में कुछ घुल गया है। तुम्हारा निशाना तो ठीक था, पर किसी के इरादे ठीक नहीं थे। तुम्हारा निशाना भटका नहीं, भटकाया क्या था? जानवर आग की बू से भागते हैं, और किसी ने यहां पर भी आग लगाई थी उसे भगाने के लिए। ऐसा करने की जरूरत किसने की? कौन थी पता नहीं, पर हमने इसे भागते हुए देखा। लगता है वो हिरन को बचाना चाहती थी और तुम उसे मारना। वो जीत गई। खाक जीती वो, बुजदिल कहीं की। अगर हमारे सामने आती तो उसी का शिकार कर देते हम। लगता है उससे बड़ा शिकार हमारा इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रही हो जोधा? सूजामल का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहां आएगा भी तो किस मुंह से? राजद्रोह किया है उसने। जो अपने राज का धर्म ना निभा सका, वो अपनी बहन के लिए क्या धर्म निभाएगा? आओ अपनी पूजा संपन्न करें। यही मौका है, निहत्ते हैं। युद्ध में हमारे पुरखों को इन्हीं अमीर वालों ने मारा है, आज इन्हें नहीं छोड़ेंगे। घेर लो इन्हें। भाई साहब हमें छोड़ो, जोधा को संभालो जल्दी। जी जी भाई साहब। Thank you.
सुजामल भाई साहब, भाई साहब आ गए, हमें पूरा भरोसा था आप जरूर आएंगे। आता कैसे नहीं जोधा, तुमने भाइयों के लिए पूजा की है और भाई मौजूद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी है मेरी बहन? सुना है काका साह ने तुम्हारे लिए वर ढूंढा है? आपको याद है भाई साहब, बचपन से आप कहा करते थे ना भाई साहब कि हमारे लिए वर आप चुनेंगे। चाहता तो मैं भी यही था जोधा, पर भाग्य को यह मंजूर ना था। वर ढूंढा तो दूर, अब तो शायद तुम्हारे विवाह पे आने का मौका भी ना मिले। पर तुम घबराना मत, जैसे यहां आया तुम्हारे विवाह पर भी अवश्य आऊंगा। और सबसे ज्यादा खुशियां मैं ही मनाऊंगा। ये जगह खतरे से खाली नहीं है जोधा, हमें चलना होगा। जहां पर सुजामल भाईसा है वहां पर हमें कोई खतरा नहीं है भाईसा। बहन भाई से कितना प्यार करती है, और भाई खाली हाथ चलाया बहन से मिलने। आज के दिन एक बहन के लिए भाइयों की जिंदगी से बड़ा तोहफा क्या होगा। जोधा को भेंट में तुम सबकी जिंदगी दी है मैंने। ये एहसान आपका जोधा पर है भाई साहब, हम पर नहीं। अगर युद्ध हुआ तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। युद्ध तो होकर रहेगा, और अगर आमेर हमें नहीं मिला तो हमारी तलवार भी उठेगी। पर अफसोस, तुम भाइयों के लिए जोधा वहां ढाल बनकर नहीं होगी। तुम हमारे भाई नहीं हो, एक राजद्रोही से हमारा कोई संबंध नहीं है। द्रोह तो तुमने किया है, हक तो तुमने छीना है मेरा, अब उसकी भरपाई करने के लिए तैयार रहो। जोधा एक वचन चाहते हैं कि तुम हमें भेंट दोगी। हुकुम कीजिए भाई साहब। हम भाइयों के बीच में जब युद्ध होगा तो तुम बीच में ही आओगी। चलो यम जोते की रस्म पूरी करें। आप लोग भी हमारे साथ चलिए भाई साहब। अगली मुलाकात युद्ध के मैदान में होगी, तैयार रहना, हम अपना आमेर वापस लेने जल्द ही आएंगे। यम की बहन हो, हमारे भाईसा की काल से रक्षा करना।